सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हैं गोपालपुर बीच। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो गाइस, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा खंडर है और मैं बता दूँ ये है पोर्ट, गोपालपुर का ओल्डेस्ट पोर्ट है। और कहते हैं कि यहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो बर्मा जो हमारी फौज गई थी तो इसी पोर्ट से गई थी, जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ी थी। मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये पीछे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा होटल है जिस पे हमारा स्टे है, बिल्कुल सी बीच पे है और फर्स्ट रूम हमारा ही है। तो मैं आपको सी भी दिखा देता हूँ, बीच भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए 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 ये देखिए कितना बढ़िया बीच है। और हम आए थे सुबह सुबह कैप्चर करने सनराइज़ को, लेकिन अभी आसमान में पूरे बादल है, आसमान क्लियर नहीं है और अब पता नहीं सन कितनी देर में निकलेगा। और मैं व्यू दिखा देता हूँ, 360 व्यू चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत बीच है यार। बीच तो मोस्टली सारे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन सफाई और रेत वाला बीच बहुत कम होते हैं। तो ये पूरा रेतीला बीच है और बहुत ही मस्त बीच है यार। और बीच पे लगभग हमें 1 आवर हो गया है मस्ती करते हुए, घूमते फिरते खूब, मतलब कि इधर से उधर हमने खूब सैर कर ली है और खूब वीडियो और फोटोग्राफी कैप्चर कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं रूम पे और पैकिंग करेंगे और निकल जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और वो मैं बता दूंगा आपको बहुत जल्दी। तो गाइस, अभी हम रूम में हैं और ये देखिए जीत भाई मल्टी टैलेंटेड काम करते हैं, ये देखिए बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। ये सब आपकी वो है सर, मतलब इतना भी कुछ नहीं है, चाय बना रहे हैं, देखो थोड़ा बहुत आज लाइट ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। हाँ। रात को हमने रूम पे ही अंडे बॉयल किए थे और अभी ब्रेड हम मार्केट से ब्रेड ले आए और अंडे उबाल ही रखे थे रात को और चाय बन रही है। तो अभी ब्रेकफास्ट हम करके यहाँ से निकलेंगे, बस अब विद इन हाफ एन आवर हम निकल जाएंगे और नहा धो के हम रेडी हैं। और मैं रूम का व्यू दिखा देता हूँ आपको, मैंने बताया था हम सी फेसिंग व्यू हैं, तो ये देखिए सामने, ये देखिए सामने हमारे रूम के बिल्कुल सामने है सी, ब्यूटीफुल सी। सामने बोट जा रही है, एक बोट तो कई सारी हैं, ये सारे मछुआरे हैं। अरे आगे आपकी चाय, और ये देखिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है, वाओ। तो अभी ब्रेकफास्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस खा के पैकिंग करके निकलेंगे अब दारिंगबाड़ी की ओर। मैं सिर्फ 100 किलोमीटर चला रहा हूँ आज, मैं तो जा रहा हूँ दारिंगबाड़ी और भाई का पता नहीं कहाँ। मैं मिलूंगा इनको बीच पे नहाते हुए। जय भोले की, जय शंकर की। और ये देखिए मैप, देखिए ये पूरा सी है और हम समुद्र के बिल्कुल ऑन द फेसिंग ऑफ सी हम, हमारा रूम था ये मरमेड होटल। और मैं राइड के लिए तैयार हूँ और जीत भाई दारिंगबाड़ी नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्ट कृष्णा प्रसाद जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो सिर्फ वहाँ जाएंगे, वो जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर राइड है और मेरी है 300 किलोमीटर राइड। यहाँ से लगभग 136 किलोमीटर की राइड है दारिंगबाड़ी की, जो कि 3 आवर 6 मिनट, उसके बाद वापसी कृष्ण प्रसाद जो हमारा डेस्टिनेशन है उसकी राइड है लगभग 4 आवर्स की। और ये हमारा रूम था मरमेड होटल में। तो
चलते हैं अपने सफर पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में, और आप देख रहे हैं अनएक्सप्लोर्ड उड़ीसा। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दारिंगबाड़ी, जो कि है कश्मीर ऑफ उड़ीसा। ये आजकल पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया है, एंट्री बंद कर दी है यहाँ से होटल की तरफ। बड़ी मुश्किल से कल खुलवाया था उनको रिक्वेस्ट करके। ये सारा बीच साइट है, और ये है गोपालपुर पूरा बीच एरिया। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, मीत भाई ने आज ब्रेकफास्ट तैयार किया था, चाय बनाई थी और ब्रेड हम ले आए थे। ये देखिए मछुआरे फिश लेके जाते हुए, सुबह सुबह काफ़ी फिशिंग हो रही थी हम जब वॉक कर रहे थे सी पे। तो गाइस, अभी हम ब्रह्मपुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। ये है ब्रह्मपुर, पहले हम थे गोपालपुर, और काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी है क्योंकि 9:20 हो चुके हैं सुबह के, और मैं निकल चुका हूँ दारिंगबाड़ी के लिए। और वेदर बहुत ही सुहाना है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। आज हमारा सनराइज मिस हो गया क्योंकि ड्यू टू ये सब बादल छाए हुए थे, और इस चक्कर में जल्दी उठे थे हम। रात को तो मच्छरों ने नहीं सोने दिया, बहुत बुरा हाल था यहाँ तो। जिसने गाइस पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, बहुत ही मस्त ब्लॉग हैं, और उड़ीसा तो बहुत ही शानदार है यार। आप घर बैठे उड़ीसा का दर्शन कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। अभी ये हिल्स शुरू हो चुकी हैं, और रास्ता अभी भीड़ भाड़ भी ख़त्म हो गई है। 2-3 सिटी को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, और रास्ता तो अभी तक बहुत मक्खन मलाई है, बढ़िया है। बस सिटी में थोड़ा भीड़ भाड़ है, बाकी बड़ी रायपुर यहाँ से 505 किलोमीटर है, तो ये रास्ता रायपुर को जाता है। रायपुर, जय बजरंगबली। और ये मंदिर काफ़ी पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर लग रहे हैं हमें। और यहाँ से लेफ्ट को रास्ता गूगल भाई बता रहे हैं, और अभी तक तो राइड बड़ी मस्त चल रही है, और वेदर भी बहुत बढ़िया है, ना गर्मी है ना सर्दी है, प्लेजेंट वेदर है। दारिंगबाड़ी जस्ट 33 किलोमीटर अवे, और भवानीपटना 290, भवानीपटना पहले 250 था, अब 290 हो गया। यहाँ से रोड छोटी हो गई है पता नहीं क्यों, और 33 किलोमीटर का अभी हमारा रन है। और ये रास्ता देखिए, ये है दारिंगबाड़ी का रास्ता, और अब जंगल शुरू हो गया, अनसेफ फॉर हैवी व्हीकल। ओके, एलिफेंट। तो ये जंगल शुरू हो चुका है, ये देखिए यार रास्ता देखिए यार, मज़ा आ रहा है। वाओ, बाहुबली 2x2 पुशबैक, लोकल बस है या पता नहीं टूरिस्ट बस है पता नहीं। अब रास्ता दे दे भाई, ए भाई, ए भाई, भाई 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 रास्ता दे दिया, भाई 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 भाई। थैंक यू, थैंक यू उड़ीसा, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। वसूल हो गया आज का ट्रिप मेरा, पूरा पूरा वसूल हो गया। वाह 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 वाह, माउंटेन कर्व्स, माउंटेन कर्व्स। अब माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं हम, जितने भी अब कर्व्स आएंगे ना, अब ये कर्व्स हैं। यस, माउंटेन कर्व शुरू हो गए हैं।
गाइस दरिंगबाड़ी यहाँ से जस्ट 19 किलोमीटर रह गया और गूगल भाई बता रहे हैं 27 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता देखिए नीचे, ये नीचे से आए हम बहुत ही नीचे। और मैं बस जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये रास्ते यहाँ से आए हम यहाँ से, और वो फिर वहाँ से, और दिखा देता हूँ पास से, ये रास्ता है। और व्यू देखिए सामने कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ का, देख लीजिए। ये है दरिंगबाड़ी का रास्ता, और ये मंकी सामने, ये देखिए मंकी, बहुत सारे मंकीज़ हैं दरिंगबाड़ी, जो कि उड़ीसा का कश्मीर कहते हैं। तो गाइस इस बात पे एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ये मेरी उड़ीसा सीरीज़ कैसी लग रही है। ये बस आ गई है, ये देखिए 11:13 हो चुके हैं, और बाइक को हमने पहुंचा दिया है 2 आवर्स में गोपालपुर से दरिंगबाड़ी। 9:30 बजे चले थे और 11:13 हो गए हैं, तो 11:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और फिर जाएंगे कृष्णा प्रसाद, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो आप देख रहे हैं दरिंगबाड़ी हम पहुंच चुके हैं, और समय हुआ है 11:37, तो हमें लगे हैं 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स टू रीच दरिंगबाड़ी फ्रॉम गोपालपुर, और 130 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो ये है दरिंगबाड़ी, और यहाँ पे अब हम कुछ खाते पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं कोई शॉप ढूंढ रहा हूँ कॉफ़ी की, बढ़िया कॉफ़ी मिल जाए, चाय या कॉफ़ी जो भी मिल जाए, कॉफ़ी यहाँ पे कोई मिले तो सही। तो गाइस मैं हूँ दरिंगबाड़ी में, ये देखिए पीछे पूरा दरिंगबाड़ी का एरिया है, और ये मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। यहाँ हल्की सी ठंड है, और गोपालपुर जब मैं था तो बहुत गर्मी थी और मर गए गर्मी में हम, और रात को मच्छरों ने जो हमें नचाया वो तो अलग ही था। तो ये मेरे पीछे बाइक खड़ी है, और ये मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, और मुझे देखना ज़रूर था दरिंगबाड़ी, जो कि कहते हैं कश्मीर ऑफ उड़ीसा। तो अब हम आगे चलेंगे सतपदा, जो कि है फेरी पॉइंट है शायद, और वहाँ से फेरी से आगे जाना पड़ेगा चिल्का लेक की तरफ। कहते हैं कि वहाँ से आपको डॉल्फिन नज़र आ जाएंगी, जब हम फेरी पे जाएंगे बाइक के साथ तो शायद हमें डॉल्फिन देखने को भी मिलेगी। तो यहाँ से अभी मेरी 4 घंटे की राइड और है, अभी 10-15 मिनट मैं यहाँ घूम के फिर निकल जाऊँगा, 1-2 पॉइंट देखता हूँ, अगर कोई आसपास है तो देख के फिर निकल जाऊँगा मैं। तो आप भी कॉफ़ी का एंजॉय लीजिए। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कॉफ़ी गार्डन, यहाँ पे जो कॉफ़ी एस्टेट है कॉफ़ी गार्डन है वहाँ दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, लेकिन वो 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन 12 किलोमीटर आज समय कम है और वाटरफॉल का भी मूड नहीं है हमें, तो जो 1-1, 2-2 किलोमीटर के रेंज में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और दूसरा दिखाऊंगा आपको सनसेट पॉइंट, सन तो आज ना राइज दिखाई दिया ना सेट दिखेगा, आपको पॉइंट ज़रूर दिखा देता हूँ। कॉफ़ी स्टेट चलते हैं पहले। तो ये वाटरफॉल पीछे कितना दूर है, यहाँ से जाएंगे 15 किलोमीटर पड़ेगा। ओके हाँ, दरिंगबाड़ी से जाएंगे 20 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा उधर से 20 किलोमीटर है दरिंगबाड़ी से। अच्छा ये टी स्टेट है, ये क्या कॉफी गार्डन और ब्लैक पेपर। अच्छा ब्लैक पेपर भी होता है यहाँ पे है ना। ये जो बेल है हाँ। ये ब्लैक पेपर है, छोटा थोड़ा गाछ है। ये कॉफी, ये गवर्नमेंट का है। हाँ गवर्नमेंट का। अच्छा गवर्नमेंट का है। कॉफी पाउडर भी यहाँ मिलता है, कॉफी मिलता है, सब मिलता है। आपका नाम क्या? रमेश। रमेश ओके ओके। मैं सबसे पहले आया हूँ कॉफ़ी प्लांटेशन, ये मेरे पीछे है, ये देखिए ये एंट्री गेट है कॉफ़ी प्लांटेशन का, और मेरे पीछे बाइक खड़ी है, ये पीछे जहाँ कार दिख रही है और उसके साथ में है हमारी बाइक। तो एंट्री करते हैं और पीछे बेच रहे हैं ये कॉफ़ी और हल्दी। टिकट कितना? तो हम टिकट लेते हैं यहाँ पे 10 रुपए की।
क्या नाम है भाई जी? है मिलन। मिलन भाई हैं और इनसे टिकट ले रहे हैं। तो 10 रुपए की टिकट ली है हमने इस कॉफी प्लांटेशन में की एंट्री पे, और अंदर अब एक्सप्लोर करते हैं हम। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको रैबिट, यहाँ पे काफी सारे रैबिट रखे हुए हैं। अभी हम हैं कॉफ़ी प्लांटेशन में, ये देखिए चार तरफ बहुत ही लंबा चौड़ा है। हम इस रास्ते से आए थे सामने वाले से, और ये देखिए यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, आगे भी रास्ता जा रहा है, पीछे भी रास्ता है। बहुत बड़ा प्लांटेशन है कॉफ़ी प्लांट दारिंगबाड़ी में। ये एक ये प्लेस है घूमने का, दूसरा है सुसाइड पॉइंट, फिर यहाँ पे 2-3 वाटरफॉल्स हैं और लवर पॉइंट है, काफ़ी पॉइंट है अगर आप घूमना चाहें तो। अभी मैं चलूँगा आपको दिखाऊँगा सनसेट पॉइंट। क्या क्या है अपने पास? हल्दी पाउडर, कॉफ़ी, गोलमरीच, काली मिर्च। ये यहीं पे पैदावार होती है कॉफ़ी, ये हाँ। हल्दी वगैरह, ये देखिए काली मिर्च, ये यहाँ पे ये लगे हुए बेलें जो हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने देखा यहाँ पे हल्दी बड़ी फेमस है, और कहते हैं कि दारिंगबाड़ी की हल्दी बहुत ही बढ़िया होती है, साथ में काली मिर्च और साथ में कॉफ़ी, कॉफ़ी के प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप हल्दी ले सकते हैं और काली मिर्च और कॉफ़ी। तो एक कॉफ़ी पीते हैं यहाँ की, तो देखते हैं फिर चलते हैं आगे। तो अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने, जो कि मेन मार्केट से ये जो चौक है वहाँ से 1 किलोमीटर बता रहे हैं। देखते हैं कुछ है भी वहाँ देखने का, नहीं है पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो होगा, व्यू पॉइंट कुछ तो होगा। तो गए जो मैं अभी व्यू दिखा रहा हूँ ना, आप दिल से खुश हो जाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। तो दिल थाम के रहिए, देखिए एकदम, ये देखिए, ये देखिए क्या व्यू, क्या नज़ारा यार, इतना खूबसूरत नज़ारा। ये सारे पहाड़ हैं, बीच में खेत खलियान, और बहुत ही शानदार एक नंबर का नज़ारा है यार, बहुत ही खूबसूरत है यार। और ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ से सन पीछे जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है, सनसेट पॉइंट है ये। तो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, एक तो कॉफ़ी प्लांटेशन मैंने दिखा दिया है, कॉफ़ी और काली मिर्च के प्लांट्स थे वो जो बेल थी, और साथ में ये है सनसेट पॉइंट। और व्यू यार नंबर एक व्यू है ये। तो अब नेक्स्ट प्लान है, हम जा रहे हैं सतापदी जो फेरी पॉइंट है, सतापदी फेरी पॉइंट, और वहाँ से फेरी लेके हम क्रॉस करेंगे लेक को, चिल्का लेक आई थिंक है, तो वहाँ पे शायद हमें डॉल्फिन भी देखने को मिलेगी। तो 4 आवर की हमारी राइड है अभी, और तो जीत मीत भाई ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, वो मेरे साथ नहीं आए दारिंगबाड़ी के लिए, तो मैं अभी आज की मेरी सोलो राइड ही चल रही है। तो मिलते हैं आपको आगे फिर।